मैं सबकी उत्पत्ति का कारण होने के कारण सबकी आत्मा और सबके भीतर निवास करता हूँ, इसलिए मुझसे कभी भी तुम्हारा वियोग नहीं हो सकता। आत्मा माया और माया के कार्यों से पृथक है, वह विशुद्ध ज्ञान रूप किसी भी प्रकार के भेदभाव से रहित सर्वथा शुद्ध है। कोई भी गुण आत्मा का स्पर्श नहीं कर पाते। माया की तीन वृत्तियां हैं, सुषुप्ति, जागृति और स्वप्न। मनुष्य को चाहिए कि वह इस बात को समझे कि स्वप्न में दिखने वाले पदार्थों के समान जागृत अवस्था में इंद्रियों के जो भी विषय प्रतीत होते हैं वे सभी असत्य या कहें मिथ्या हैं, और इसलिए उन विषयों का चिंतन करने वाले मन और इंद्रियों को रोक ले। जिस प्रकार प्रातःकाल नींद से उठकर सब कुछ नया नया सा लगता है, उसी प्रकार जगत के स्वाप्निक विषयों को त्याग कर मेरा साक्षात्कार करें, क्योंकि जिस प्रकार समस्त नदियां घूम घाम कर समुद्र में गिरती हैं, उसी प्रकार हर धार्मिक कर्म का सच्चा फल मेरा साक्षात्कार ही है। हे गोपियों, इसमें कोई संदेह नहीं कि मैं तुम्हारी आंखों का ध्रुव तारा हूँ। मैं तुमसे जो इतना दूर रहता हूँ इसका भी एक कारण है कि जिससे तुम निरंतर मेरा ध्यान कर सको। शरीर से दूर रहने पर भी मन के द्वारा तुम मेरी सन्निधि का अनुभव करो, क्योंकि स्त्रियों और अनन्य प्रेमियों का कि जिससे तुम निरंतर मेरा ध्यान कर सको। शरीर से दूर रहने पर भी मन के द्वारा तुम मेरी सन्निधि का अनुभव करो, क्योंकि स्त्रियों और अनन्य प्रेमियों का मन अपने परदेशी प्रीतम में जितना निश्चल भाव से लगा रहता है उतना आंखों के सामने नहीं लगता।